नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के ऐसे बंगले के बारे में जिसमें रहते हुए कोई भी मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। फिल्मों में हम सभी लोगों ने भूत बंगले के बारे में खूब सुना है, साथ ही साथ देखा भी है। लेकिन मीडिया में चल रही खबरों को अगर हम देखें तो अब एक मनहूस बंगले की बात कही जा रही है। दरअसल इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि पटना के 6 स्टैंडर्ड रोड बंगले में जो भी मंत्री रहते हैं वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मीडिया में इस बंगले को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। अगर हम तत्कालीन कारण को देखें तो विकासशील इंसान पार्टी के 3 विधायक राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने अपना पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि वो पहले वीआईपी में थे, अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में अब मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं, इस नाते उन्हें 6 स्टैंडर्ड रोड में बगले का आवंटन हुआ था, लेकिन अब उनके मंत्री पद पर संकट के बादल छा गए हैं। अगर हम इसी बंगले के इतिहास को देख लें तो नीतीश सरकार के पिछले कार्यकाल में इसी बंगले में नीतीश सरकार के मंत्री मंजू वर्मा रह रही थी, लेकिन साल 2018 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में उनके पति का नाम सामने आया, जिसके कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मंजू वर्मा से पहले इस बंगले में जदयू और राजद की सरकार चल रही थी, यानी कि मंजू वर्मा के इस्तीफा देने से पहले बिहार में आरजेडी और जदयू की सरकार चल रही थी, जिसमें राजद के नेता आलोक मेहता इस बंगले में रह रहे थे। लेकिन बीच में ही इन दोनों पार्टी ने आपस में नाता तोड़ लिया और बीजेपी के साथ जाकर मिल गई, यानी कि जदयू जो है बीजेपी के साथ चली गई, जिसके बाद से जो है यह सरकार गिर गई। और उसके बाद आलोक मेहता का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो सका और वो भी 6 स्टैंडर्ड रोड में रह रहे थे। अब उसके बाद हम बात करें 2018 की, तो 2018 से पहले भी इस बंगले के साथ कुछ इसी तरह की घटना घट चुकी है। बता दें कि वह साल था 2015 का, जिसमें आबकारी विभाग के मंत्री थे अवधेश कुशवाहा, वह भी 6 स्टैंडर्ड रोड बंगले में रहते थे। लेकिन एक स्ट्रिंग खबर सामने आया जिसमें पैसे लेन देन का मामला सामने आया, जिसके बाद मंत्री पर पद से इस्तीफा देने की बात कही जाने लगी और बाद में उन्हें अपना पद छोड़ना भी पड़ा। इस बंगले के साथ लगातार इस तरह की घटना जुड़ती रही है। ऐसे में अब जो बात कही जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि क्या मुकेश सहनी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे या फिर उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उनके 3 विधायक बीजेपी के साथ चले गए हैं। अगर हम बात बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की कर लें तो मुकेश सहनी की पार्टी बीजेपी के रहमो करम पर चुनाव मैदान में थी। बीजेपी ने ही अपने हिस्से की 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी को दी थी, जिसमें से 4 सीटों पर वीआईपी जीतने में कामयाब रही। हालांकि इस चुनाव में मुकेश सहनी को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया और उसके बाद वे सरकार में मंत्री बने। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव सामने आया तो वहां बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया, योगी आदित्यनाथ के साथ एक तरह से कह लें कि सीधी लड़ाई देखने को मिली। बाद में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव समाप्त हुआ तो मुकेश सहनी की पार्टी के 4 में से 3 विधायक बीजेपी का दामन थाम लिया और अब मुकेश सहनी का कार्यकाल भी जुलाई में समाप्त हो रहा है। ऐसे में राजनीतिक जानकार मुकेश सहनी के इस बंगले को लेकर बोल रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो भी इस बंगले में रहने आया वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ऐसे में अब देखना है कि मुकेश सहनी आगे क्या करते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।